मैं ये भी देख रहा हूँ, अभी तुम वहां पे हो कैंटीन की तरफ हो तो इधर का दिख रहा है तुमको, हाँ, और इधर का भी देख रहा है, तो ये बीच में हो गए, तो मैं ऐसे देखूंगा तो ये, ऐसे देखूंगा तो ये, अगर ये पीछे से कोई आ रहा है तो ये दीवार है, तो इधर मैं गर्दन घुमाऊ तो इधर का दिखेगा, बराबर कि नहीं? मगर ये करूंगा तो, नहीं करूंगा तो क्या? थोड़ा सा इधर दीवार है, उसके पीछे भी बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, कोई भी आता है वहां से आदमी दिखाई दे आपको, हाँ ये चल के आ रहा है, तो ये कुछ सिगरेट पीने के लिए आएगा, चाय पीने के लिए आएगा, या कुछ करने के लिए आएगा, तो मुझे कैसा ड्यूटी करना चाहिए, कैसा ड्यूटी करना चाहिए, बराबर कि नहीं? अगर वो सामने से आता है, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ जाने सर आपको, कैंटीन, ऐसा दिखेगा, यस सही सर, तो उसी वक्त अगर वो सिगरेट लेता है, चाय लेता है, सर सिगरेट चाय आप ले लो, मगर आप वहां पे जाके बाहर जाके पियो, ये उसी तरह लंबे से अगर हम बोलते हैं सर सिगरेट और चाय यहाँ पे पीना अलाउड नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको लेना यहाँ पे, इतने जोर से अगर बोलोगे और वो दिखाई देता आपको, मालूम है ये सिगरेट पीने के लिए आए, ये चाय पीने के लिए आए, यहाँ पे किसी को रुकने के लिए अलाउड नहीं है, सर मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करने के लिए अलाउड नहीं, आपको वेट करना है तो आप बाहर जाके वेट कीजिए, उनको बाहर बुला लीजिए, मगर गाड़ी के ऊपर बैठना अलाउड नहीं है, ये आप बोल सकते हो, बोलते नहीं हो, यही हमारी कमजोरी है, यही चीज, अगर कोई किसी को कुछ चोरी करना है, किसी को कुछ लेके जाना है, तो पहले वो आ जाता है, गेट से आ जाता है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं आया, अरे इस मेरा तो पूछताछ भी नहीं किया, मैं अंदर आ सकता हूँ और बाहर आराम से जा सकता हूँ, ये गार्ड तो इधर देख रहा है, अभी मैं यहाँ से कल्टी मार सकता हूँ, बराबर कि नहीं? कोई चीज ऐसी रहती है, कोई चोर आता है तो ये सोच के ही आता है, तो इसके लिए हमको 12 घंटा हम लोग ड्यूटी कर रहे हो टाइम पे बराबर, ऐसे ड्यूटी करना चाहिए, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम लोग कई कई जगह पे बराबर ड्यूटी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम साहब के सामने ही खड़े हैं, है कि नहीं? यहाँ से मालिक आ जाता है, बराबर कि नहीं? कोई किसी को पसंद क्यों आता है, तो वहीं पे क्यों रहता है, उसको पसंद भी आ जाता है, और लेकिन वहाँ का ड्यूटी में और यहाँ के नीचे की ड्यूटी में फर्क है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है क्या? हम लोग तब बराबर ड्यूटी करते हैं कि हमारे सामने एक कोई खड़ा है, मालिक देखेगा हमको भगा देगा, तो मालिक के सामने बराबर चलो, अरे वो तो आ रहा है, मेरा दिमाग भी चल रहा है, वो आ रहा है सर आ रहे हैं, चलो पहले इन्फॉर्म करो सर आ गए, हम कवर देते कि नहीं? बराबर कि नहीं? ऊपर ऐसा ही होता है ना, हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में ऐसा हो जाता है, हमको मालूम है अभी कोई नहीं है, बिंदास हम लोग रिलैक्स भी कर सकते हैं, मगर साहब आने का टाइम हो गया, वहाँ से खबर आ गई तो हम लोग रेडी पोजिशन में, वैसे यहाँ पे खबर देने वाला कोई है कि नहीं? है हमारी आंखें, अगर हमारी आंखें अगर बाहर से बराबर देखती है चलो कोई आ रहा है, तुरंत तैयार हो जाओ, थोड़ा भी हम लोग 12 घंटे में अगर रिलैक्स लेना चाहते हैं रिलैक्स लेंगे, मगर आंखें हमारी चौकन्नी रहना चाहिए जब हम लोग पोस्ट पे है, फिर बाद में तुरंत खड़े हो जाओ बराबर, तुरंत खड़े हो जाओ, दरवाजा खुला है, बस ये तो होना चाहिए गेट पे स्वागत, तब जाके सामने वाला खुश होगा, है कि नहीं? ये सब चीजें हमारी सिक्योरिटी में होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या है, अभी देखो कारपेंटर, कारपेंटर का वर्दी नहीं है, कारपेंटर के हाथ में अगर सामान दे दिया वो कारपेंटर, कोई कारपेंटर के हाथ में नहीं है, एक आदमी के सामने एक आदमी को वर्दी दिया, वर्दी देने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बन गया, बराबर कि नहीं? पहला आप आ गए, मुझे काम चाहिए, मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनना है, क्या हुआ? आपको वर्दी दिया गया, हाँ जाओ वहाँ जाके ड्यूटी करो, क्या करना है सर? हाँ बस देखते रहो खाली, यही बोला जाता है, बैठ जाओ वहाँ पे जाके, लेकिन किसको रोकना है, किसको टोकना है, किसको ये बोलना है, किससे बात करना है, किसको छोड़ना है, ये सब चीज़ें मैं हम लोग नहीं करते, मगर एक आदमी आ गया उसके हाथ में मैंने ये दिया, क्या मैंने उसको कारपेंटर का सामान दे दिया, बोला चलो जाओ काम करो, वो कर पाएगा क्या? हाँ उसको जानकारी रहेगी तो कर पाएगा, लेकिन सिक्योरिटी में जानकारी नहीं रहेगी तो भी
कर सकते हैं। ऐसा ही है यहाँ पे, इतना बहुत कुछ है मगर सीरियसली लिया नहीं जाता है, सीरियसली नहीं लिया जाता है, सीरियसली नहीं ले। हम लोग सीख भी जाएंगे मगर हम सीखते नहीं है क्योंकि चलता है, कम पगार है चलता है, जहाँ पे अच्छा अच्छा पगार है वहाँ पे चलता है क्या? देखो आप, नहीं चलेगा बराबर की नहीं। तो हम लोग क्या समझा रहे हैं, उधर ज़्यादा पगार मिलता है इसलिए वरा वैसा ड्यूटी करते हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कम पगार मिलता है तो वो कम पगार के हिसाब से काम भी वैसा ही है क्या? वैसा है ही नहीं, करना ही नहीं है, काम तो वही है, चोरी चोरी है, यहाँ पे भी चोरी हो सकती है, वहाँ पे भी चोरी हो सकती है, यहाँ पे भी घटनाएं घट सकती है। वो देखो क्या कर रहा है, कोई किसी का नुकसान करने के लिए आया रहेगा तो वो तो देखेगा सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड तो बैठा है कि नहीं, वो देख नहीं रहा है हमको, और मैं देख रहा हूँ अभी, देखो मेरा ध्यान उधर गया, ये आदमी बिना यूनिफॉर्म पहने ऐसे ही बैठा है, तो ये मैं देख रहा हूँ, मैं ये देखूंगा तब। वो देखो आ गया, दो शर्ट का बटन खोल के आ गया वो, तो ये मैं देख रहा हूँ, वो आ गया बिना मास्क का आ गया, वो मास्क लगा के आ गया, तो ये मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, बराबर कि नहीं। ये आ गया बिना दाढ़ी किए हुए आ गया, तो मैं इसके बारे में सोचा, मैंने इसके बारे में ख्याल किया, इसने पैंट नहीं पहना है, यूनिफॉर्म नहीं पहना है, तो ये मैं देख रहा हूँ, तो ये आपको देखना है, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हैं ना आप लोग क्या क्या करना क्या नहीं करना। ये सब चीज़ें अगर हम लोग सोचेंगे तो ये हम लोग तब सिक्योरिटी गार्ड की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। ये है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, कर सकते हैं हम लोग, हाँ। तो कारपेंटर में ऐसा मारेंगे तो ये कटेगा, ऐसा मारेंगे तो कटेगा क्या, वो टेढ़ा कटेगा। तो हमको कैसा काम करना है तो सीख सीख के ही हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग। कोई आदमी ऊपर से नहीं आ गया, चलो हाथ में दिया हथियार कारपेंटर बन गया, नहीं वो भी धीरे धीरे सीख के, थोड़ा पहला दो बार गलती हो जाता है, तो हमारे में भी अगर सिक्योरिटी गार्ड में भी गलती होता है तो क्या हुआ, हम लोग आगे आगे सीखेंगे। किसी को बोलना है, किसी को रोकना है, सर सर एक मिनट रुकिए, कोई कोई तो रुकाता है, हर 10 बार वो उसको ये करता है, परेशान कर देता है कि बाबा ये आदमी बराबर काम कर रहा है, मगर किधर कितना काम करना है, कितना किसको रोकना है, कुछ सबूत तो हाथ में आना चाहिए। हम नहीं बोलते कि किसी से मारामारी करो, किसी से झगड़ा करो, किसी को डांटो, ये नहीं बोल रहे, मगर खबर तो दो, गाड़ी का नंबर ले लो, उसका नाम पता करो, आपका नाम क्या है, मुझे ऑफिस में इतला करना चाहिए, मुझे एंट्री करना चाहिए, ऐसा ही झूठ मूठ का बुक निकाल लो, हाँ ठीक है आप शॉप नंबर कौन सा सर मैडम, हाँ कहाँ से आए, ये सब चीज़ें अगर हम लोग रिकॉर्ड में रखेंगे, आपका ये डिटेल्स ले लो, ये सब अगर चीज करते तो एक मैं सिक्योरिटी गार्ड बन के यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ ये हो रहा है, नहीं तो अलग दिमाग से सोचोगे कि चलता है कम पगार में, ऐसे ही चलता है कि नहीं। जब हम ड्यूटी पे आए, हमको हमारा सुपरवाइजर ने बताया कि 3 बजे तक गेट खुला रखो, खुला रखना ही नहीं है पहली बात, हमारा काम कैसा गेट को पकड़ के ही रखना है, खुला का ताला मार के रखा है तो बात अलग है, ताला मार के रखा है तो भी चलता है, हम लोग खोलने चाहिए, अभी रात में काम और टाइम है, खोलना ही नहीं है, किसको आना जाना है तो पूछताछ करो, सर यहाँ से यहाँ पे एक आदमी आया ऐसा ही जा रहा है यहाँ से, मैं ले लूँ क्या, उसको क्या करूँ, तो बात करना चाहिए, नहीं ठीक है मैं सर मैं आ जाता हूँ तब ले, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, अगर मेरा ड्यूटी है मैं किसी को छोड़ा तो मैं मालिक हो गया हूँ उस गेट का, लेना नहीं लेना, अगर वो आदमी गलत आदमी, इसलिए तो गलत आदमी काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं गलत रहते हैं मगर हमको पता भी नहीं चलता है, तो हम लोग पूछते ही नहीं है, हम लोग उसके बारे में खबर आ गई तो पता चला हाँ ये आदमी गलत हो रहा है, लेकिन कब गलत नहीं होगा हमको देखा जाएगा, ये बाबा सिक्योरिटी टाइट है, रात को छोड़ेगी नहीं, तकलीफ देगी तो कल सुबह में पोल खुल जाएगा हमारा, क्या खुल जाएगा पोल, कोई पूछता नहीं तो बिंदास हो जाता है वो, ऐसा रहता है। तो चीज़ें रोकने वाला अगर बराबर है गेट पे तो बराबर हो सकता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमको खबर मिल गई, हाँ ठीक है अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये सब ये टाइमिंग नोट करो, ये टाइम बराबर है, कैमरे में देखो सर ये आ गए थे ऐसे घूम रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसा गलत काम हो रहा है, तो ये कहाँ से अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कौन से टाइम पे आ गए, मगर ये पहचान में बाहर के ही आदमी रहेंगे तो क्या हम घंटा पता चलेगा, अंदर का आदमी सोया रहेगा अभी भी ऐसा भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन
किसी की निगरानी करने के लिए हम लोग है, समझ गए? ठीक है, आज के लिए काफी है।